फ्रेंड्स, तो आपका मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो ये नाइट का ब्लॉग शूट कर रही थी मैं दोस्तों, जिसमें मैंने रवा चीला बनाया था, जो कि इंस्टेंट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है रवा चीला बनाने में। तो यहाँ देखिए, सूजी के साथ पहले कड़ा आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद उसको 10 मिनट उसको फूलने के लिए देने के बाद, फूलने के बाद उसमें फिर अच्छे से पानी मिलाने के बाद बहुत अच्छे से उसका बैटर एक तैयार, रेडी टू बैटर तैयार कर ले। उसके बाद आप इनो उसमें डाल दें, कोई सा भी फ्लेवर का इनो आप डाल उसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर जितने वेजिटेबल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऐड ना करके मैंने गार्निशिंग टाइप का वेजिटेबल किया है, क्योंकि मेरे बच्चे उसी तरह से खाते हैं, जो कि आपको अभी देखने को मिलेगा भी। उससे बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों उस टाइप का चीला। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इस टाइप का चीला बनाती हूँ, ऊपर से थोड़ा सब्जी गार्निश कर देती हूँ और थोड़ा सा चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, उससे आपको चीले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ देखिए, छोटे छोटे बबल्स जो आपके चीले में आ रहे हैं, इससे समझिए कि आपका बहुत अच्छा चीला बन रहा है दोस्तों। और ये इंस्टेंट चीला बहुत ही टेस्टी, अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए, रात में भी आप अपने डिनर में भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं और हम लोग का बहुत फेवरेट है दोस्तों। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा कलर आया है मेरे चीले का, और ऊपर से कितना सॉफ्ट है, वही मैं दिखा रही हूँ। ऊपर से बहुत सॉफ्ट है और नीचे से बहुत क्रिस्पी हुआ। और ये मेरे बेटे का फेवरेट है, बट वो वहाँ पर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, क्योंकि उसको सिर्फ टमाटो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा चीला रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने टमाटर सिर्फ और सिर्फ टमाटर ऐड किया है, जो कि वो भी खाने बहुत टेस्टी रहता है। और आप सिंपल चीला ही बना सकते हो, जिसमें आप कोई वेजिटेबल ऐड नहीं कर सकते हो, सिर्फ चिली पाउडर ऊपर से डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ बहुत सारे चीले बनाए और हम लोग ने बहुत ही मस्ती में खाए, और यहाँ खाते खाते हम लोग टीवी भी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं, बहुत सारी मस्ती भी हो रही है। बस बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि मैंने कपड़े आज धोए थे रात में, तो सारे कपड़े, अभी बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, अभी पटना का मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है दोस्तों, तो रात में बारिश अक्सर हो जाती है। तो बस देखिए, मैं यहाँ छत पे आई, सारे कपड़े मैं अपने, बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने सारे कपड़े अपने लेने के लिए आई हूँ। अगर ये मेरा मिनी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय। और साथ ही एक फॉलो भी कर दीजिएगा अगर आप फेसबुक से देख रहे हो। ओके, बाय।